नमस्कार। यदि आप भी पत्नी पीड़ित हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो से जुड़े रहिए, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। यदि आपकी पत्नी ने आपको परेशान कर लिया है तो आपको कुछ एक ऐसे अधिकार बता रही हूं जो आपके फायदेमंद साबित होंगे। कुछ समय पहले एक मुद्दा उठा था कि जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग है उसी तरीके से राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी होना चाहिए। महिला आयोग में महिलाएं शिकायत करती हैं और पुरुषों को सजा मिलती है, लेकिन एक ऐसा आयोग भी होना चाहिए जो पुरुषों की समस्या को सुने। यूके यूएसए जैसी कंट्रीज में जो भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल है, कि उसमें अगर महिला डोमेस्टिक वायलेंस करेगी तो पुरुष क्लेम करेगा अपने राइट का, और पुरुष करेगा तो महिला क्लेम करेगी। लेकिन हमारे कंट्री में जेंडर न्यूट्रल नहीं है, स्पेसिफिक है, वीमेन को ये राइट दिया गया है। सेकेंडली, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी ऐसा कोई विशेष लॉ नहीं है जिसके तहत पुरुषों के साथ जो होने वाली प्रताड़ना है उससे निपटा जा सके। तो इस सीरीज में ये जो वीडियो है ये दो पार्ट्स में होगा। आज जो वीडियो आप देख रहे हैं वो पहला पार्ट है। आपका पहला अधिकार मैं बताती हूं। अगर आपकी वाइफ किसी दिन आपके साथ मारपीट करती है, गाली गलौज करती है, आपके परिवार वालों को अच्छा बुला करके बुरा कहकर आपको मानसिक प्रताड़ित कर रही है और आपको ये डर लगता है कि आप उसकी प्रताड़ना से सुसाइड तक कर सकते हैं, तो आप पुलिस को 100 नंबर पर डायल करके बुला सकते हैं। ये आपका पहला अधिकार है। बाकी आप वीडियो पार्ट 2 देखिए।